शाहरुख खान ने गणेश चतुर्थी पर अपने फैंस को बेहद खास मैसेज दिया है, लेकिन इसे लेकर वो ट्रोल हो गए। सोशल मीडिया पर धर्म को लेकर बातें हो रही है। वेल, आपको बता दे, किंग खान भी अपने घर गणपति बप्पा को लेकर आए। उन्होंने पूजा करने के बाद विधि विधान से विसर्जन भी कर दिया है। इसकी जानकारी उन्होंने अपने फैंस को सोशल मीडिया के जरिए दी। अपनी एक सेल्फी शेयर करते हुए लिखा, प्रार्थना और विसर्जन हो गया। इस गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश आप और आपके प्रियजनों पर कृपा बरसाए, आशीर्वाद और खुशियाँ। गणपति बप्पा मोरिया। शाहरुख खान का ये पोस्ट वायरल हो गया। कुछ यूजर्स ने पॉजिटिव कमेंट्स लिखे, लेकिन बहुतों ने नेगेटिव कमेंट्स लिखे। वेल, शाहरुख खान की ओर से फैंस के लिए ये शुभकामनाएं बेहद खास तो है, लेकिन इस तरह से उन्हें ट्रोल करना, खासकर धर्म को लेकर, कितना सही है या गलत है? ये पहली बार नहीं है जब शाहरुख खान हिंदू त्योहारों को मनाने को लेकर ट्रोल हुए हो। पिछले साल शाहरुख खान दिवाली की शुभकामनाएं देते ही ट्रोल हो गए। शाहरुख ने पत्नी गौरी और बेटे अबराम के साथ एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें तीनों की सिर्फ आंखें दिख रही है और तीनों ने तिलक लगाया हुआ है। लेकिन शाहरुख की इस तस्वीर पर जैसे ही धार्मिक कट्टरपंथियों की नजर पड़ी तो उन्हें तिलक लगाने के लिए ट्रोल किया जाने लगा। किंग खान को ट्रोल होते देख उनके बचाव में उतरी शबाना आजमी। उन्होंने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया। शबाना ने ट्वीट करते हुए लिखा, मैं हैरान हूँ कि शाहरुख खान की दिवाली ग्रीटिंग से कुछ इस्लामिस्ट गुस्से में है और उन्हें तिलक लगाने के लिए झूठा मुसलमान कह रहे हैं। इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि खूबसूरत भारतीय परंपरा को फॉलो करने से उसे खतरा हो। भारत की खूबसूरती उसकी गंगा जमुनी तहजीब में है। फिलहाल बात उनके गणेश चतुर्थी पोस्ट की हो रही है, जहां फिर एक बार वो ट्रोलर्स के निशाने पर है। ये कितना सही है या गलत, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।